हेलो एवरीवन, मैं एमडी ने साथ वेलकम टू एमडी व्लॉगर चैनल। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट टू है वीडियो का और अभी हम लोग जस्ट निकले हैं सर्विसिंग करा कर। अगर सर्विसिंग वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जो चेक करें या फिर आई बटन पर वे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं वो वाला सर्विसिंग वाला। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जस्ट निकले हैं सर्विसिंग करा कर, अब जा रहे हैं हम लोग कार एसेसरीज शॉप पे। वहाँ पर जाकर हम लोग क्या क्या एसेसरीज लगवाने वाले हैं फ्रेंड्स, वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहे वीडियो में, मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो हम लोग पहुंच गए हैं कार एसेसरी शॉप पे। तो पहले हम लोग लगवाएंगे ये बम्फर, उसके बाद लगवाएंगे स्टेयरिंग कवर, और उसके बाद हम लोग लगवाएंगे नीचे का एक आता है कवर, उसको लगवाएंगे। उसके बाद हम लोग लगवाएंगे डोर गार्ड, और ये डोर गार्ड है, देख लीजिए ये वाला डोर गार्ड हम लोग लगवाने वाले रबड़ का। और उसके बाद हम लोग लगवाएंगे ग्लास में, लेमिनेशन करवाएंगे ग्लास में, पूरे पीछे आगे पीछे सब ग्लास में लेमिनेशन करवाएंगे। आगे फ्रंट का शीशा छुड़ाकर बाकी सब ग्लास में लेमिनेशन कराएंगे अंदर से जो लीगल है। तो ये वाला पहले बम्पर हम लोग सेट करवा लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कैसा लगता है सेट होने के बाद। इसका प्राइस भी आपको मैं बता दूंगा कितना का है, और टोटल कितना लग रहा है मेरी कार में, कितना लगेगा पैसा वो भी मैं बता दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर एक मैट लगवाने वाले हैं जो दिखता है सेम टू सेम लेदर टाइप का, वो पर रहता है रेक्सिंग टाइप का, तो रेक्सिंग मटेरियल रहता है, तो वो लगवाने वाले हैं। तो पहले हम जितना है सीट, सब सीट खुलेगा उसको सब साइड में रखेंगे, उसके बाद वो वाला कवर लगेगा नीचे में, जिसमें आपको जो आपको फर्श है, फर्श गंदा होने से बचा देता है पूरा, वो अच्छा तरीका से क्लीन होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अभी डोर गार्ड लगना स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स, तो चारों में डोर गार्ड लगेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। और अंदर भी काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अंदर का सीट पूरा खुल गया और पूरा जितने गंदगी है पूरा गंदगी को साफ़ किया जा रहा है, उसके बाद वो वाला मैट को पूरा सेट किया जाएगा इसमें। तभी टाइम हो रहा है पूरा 11:30, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें सेट कराने में। तो पूरा अच्छे तरह से साफ हो गया है, और जो जो जरूरत का चीज़ है खुलने का वो सब खुलेगा, उसके बाद वो वाला मैट लगेगा। इधर पूरा आम रेस्ट, रोन रेस्ट सब चीज़ पूरा खुल जाएगा, उसके बाद ये वाला मैट लगेगा। तो मैं बता दूँ, ये मैट लगवाने से काफ़ी सारे फायदे हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि नीचे का जो फर्श है, जो आपको दिख रहा है पहले से जो था कंपनी फिटेड फर्श, वो वाला फर्श आपका गंदा नहीं होगा। अगर कोई इसमें पानी गिरा देता है या कुछ भी गिरा देता है तो जल्दी गीला नहीं होगा और जल्दी सूख जाएगा। और आपका जो नीचे का जो लगेगा, आप अगर मैट इसके ऊपर अगर लगाते हैं, कोई मैट लगाते हैं, तो वो भी आपको साफ़ करने में आसानी हो जाएगा। तो अभी भैया लोग फिट करने देते हैं, इधर हम लोग लगवाते हैं, इधर फिल्म्स लगवाते हैं, इधर लेमिनेशन शीशा में, ये वाला लेमिनेशन हम लोग सिलेक्ट किए हैं, और ये वाला नहीं लेमिनेशन हम लोग अपना अर्टिका में लगवाएंगे। तो आपको दिखाते हैं कैसे लगता है लेमिनेशन। तो इधर लेमिनेशन लगाने वाले भैया आ गए हैं, लेमिनेशन को सही तरीके से काट लिए हैं, उसके बाद लेमिनेशन को साफ़ करके उसके बाद इसमें शैम्पू वाला पानी मारेंगे, और इससे पूरा साफ़ हो जाएगा, जो बबल्स बनने नहीं देता है ये शैम्पू वाला पानी से। और इसके बाद इसको चिपका देंगे शीशा पे, शीशा पे भी मारेंगे शैम्पू वाला पानी, जिससे बबल्स नहीं बनेगा और अच्छे तरीके से चिपकेगा। और इसमें अभी बताएं कि इसमें शीशा को डाउन नहीं करना है आज पूरा दिन भर, मतलब पूरा एक दिन इसको डाउन नहीं करना है शीशा को, तो ये हम लोग इससे बचेंगे डाउन करने से। अब देखते हैं कब तक बचते हैं इससे। तो नीचे वाला मैट भी लग गया है पूरा, उसके बाद ये सीट को पूरा सेट कर रहे हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत है नट का कटिंग कर रहे हैं, उसको कटिंग करने के बाद सीट को सेट करेंगे। और यहाँ हम लोग का डोर गार्ड भी लग गया है, चारों डोर गार्ड लग गया है। और इधर हम लोग का पूरा ये बैंक बफर भी कसा गया है, तो पूरा टाइट कर देंगे फुल अच्छे तरीके से टाइट करके, उसके बाद हम लोग को दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे कार को। तो सारा सामान सब फिट हो गया है फ्रेंड्स। तो हम लोग अब निकल गए हम लोग अपने घर के लिए, काफ़ी लेट हो चुका है इसी वजह से तो हम लोग आपको दिखा नहीं पाए, पर अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सब चीज़ दिखा दूंगा क्या क्या चीज़ कैसे कैसे सब सेट हुआ है। तो कार को मेरे भैया ड्राइव कर रहे हैं, और ये मेरे भैया हैं, और हम लोग अब बस निकल गए अपने घर के लिए, अब घर पहुँच नहीं वाले हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, मेरे कार में कितना पैसा लगा। टोटल पैसा हम लोग का 8,000 रुपया लगा कार का एसेसरीज़ में।